हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सर, अली सर, सो अभी आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी, जो अभी क्लिप स्टार्ट हुई थी, तो आज उस वीडियो को एक साल पूरा हो चुका है। मतलब कहने का ये है कि जब से मैंने YouTube की वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। मैंने पहली वीडियो बनाई थी 13 दिसंबर 2018 और आज है 13 दिसंबर 2019। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए मेरे YouTube एक साल के कैरियर कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक साल में मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ऑडियंस कितना सपोर्ट कर रही है और आखिरकार मुझे अपनी वीडियोस पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है। तो अगर रिस्पांस की बात करूँ तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा से ही बना रहा। और बड़े बड़े यूट्यूबर सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 ईयर्स 2M 3 ईयर्स 3M 1 ईयर 1M, और मैं इतने छोटे स्तर से उठा हूँ तो मेरा एक साल में 2000 में 200 कम है, मतलब 1800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं एक साल में। आई होप कि आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाएं और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो आज मैंने सोचा कि 2019 कंप्लीट होने वाली है, कुछ बात कर लूँ आप लोगों से, अपना एक YouTube रिवाइंड बना लूँ, क्योंकि YouTube रिवाइंड का अपना एक अलग ही क्रेज़ रहता है, जिससे यूट्यूबर्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है। एक साल की उनका रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में रहता है और जो भी नई ऑडियंस उनसे जुड़ती है वो उनका रिवाइंड देखना भी पसंद करती है। तो जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो काफ़ी डर डर के वीडियो बनाई थी। ये देखिए वाली वीडियो, 3 बार यूज़ किया है और नियरली कंसंट्रेट मैंने 5 से 6 बार यूज़ कर चुका हूँ इसको, तो रिजल्ट तो देखने को मिलते हैं सब। तो इसमें जो मेरा बोलने का तरीका था वो ऐसा था जैसे कैमरा मुझे खा जाएगा, कैमरा फोबिया मुझे लग रहा था। पहले मैं सोचता था मेरे अंदर कैमरा फोबिया नहीं है, लेकिन जैसे ही कैमरा पहली बार ओपन हुआ आई वॉज लिटरली अफ्रेड। पूरा खुल जाता है ये कि अब मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। काफ़ी गलतियाँ भी हुई थी पहली वीडियो में, लेकिन आपने उसको भी प्यार दिया। नई वीडियो थी उस पर भी कमेंट्स आई, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन फिर धीमे धीमे हाल ये बढ़ गए कि भाई वीडियोस की क्वालिटी बढ़ती गई। जो काइन मास्टर का अपना वो लगा रहता है साइड में लोगो, या फिर हम कहें वाटरमार्क, वो भी चला गया। तो ये अब मैं कुछ क्लिप्स डालूँगा आप लोगों के लिए, तो आप वो क्लिप्स देखें जो मेरा YouTube रिवाइंड है। और आई होप कि आप अपना सपोर्ट, प्यार, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी लैंग्वेज है उसको आप बिल्कुल मेरे ऊपर रखें, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए उसके सब्सक्राइबर ही सब कुछ होते हैं। और मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को ऐसा कंटेंट दूं विच कैन यू कैन रिलेट विथ योर लाइफ। अगर मैंने एक बात सीखी जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नए क्रिएटर हैं, कि पब्लिक आपसे तब तक नहीं जुड़ती है जब तक आपका कंटेंट पब्लिक की रियल लाइफ से रिलेट ना हो। तो बहुत लोगों ने पूछा भी था मुझसे जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने चैनल नेचुरल बीस्ट पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नेचुरल बीस्ट को इतना प्यार दिया। 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं नेचुरल बीस्ट पे। उन्होंने पूछा था कि कैसे आपके 1000 सब्सक्राइबर हुए, तो मैं पूरा जो क्रेडिट देना चाहूँगा वो मेरा पहला ब्लॉग, जब मैंने पहला ब्लॉग अपलोड किया था इट वाज अ रियल हिट, 25K व्यूज़ और मेरे उस समय सब्सक्राइबर थे 100। वो ब्लॉग अगर आप पुराने हैं आपने देखा होगा, नए हैं तो वो हमारे एरिया में एक फेयर लगता है, मेला लगता है, उसका ब्लॉग था। एवरीवन, हर किसी ने उसको रिलेट किया अपनी लाइफ से, तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। लेकिन अगर मैं दिल पे हाथ रख के अपनी प्रोग्रेस की बात करूं तो लिटरली प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है, बट आई विल नेवर एवर गिव अप बिकॉज आई एम ए फैन ऑफ जॉन सीना। जॉन सीना हमेशा कहते हैं कि नेवर गिव अप और कैन यू सी मी। तो अपना भी टाइम आएगा यार जब हम भी डालेंगे 2 ईयर 2M सब्सक्राइबर। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट करें 2020 में, सो ये आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस जो आपका कंटेंट हो वो रियल लाइफ से रिलेट हो सके। सीधे आ जाओ सीधे।
तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं अच्छा अच्छा कंटेंट डालता रहूं, आप लोग इन्जॉय होते रहें और ज़िंदगी बस यूं ही चलती रहे। तो रिवाइंड देखो भाई, इन्जॉय करो। तो ट्रेन खड़ी है, चलो उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं उसको। ट्रेन उत्सर्ग एक्सप्रेस कल का कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट नेचुरल बीस्ट साइनिंग ऑफ।